कल आप लोगों को हम डिस्कशन किए थे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फोर किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो इसके पहले कल हमने डिस्कशन कर रहा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो जो फाइव तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कल इस पर हमने डिस्कशन किया था ये किसने किसके द्वारा पाई गई प्रपोज्ड साइंटिफिक आर एजुट टेकर ने आर एजुट टेकर एक किसके किसका प्रपोज की थी किसके द्वारा किया गया था प्रपोज्ड बाय आर एजुट टेकर 1819 में ये तो कल का डिस्कशन था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये भी क्लासिफिकेशन तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन परपोज्ड बाई कोपलैंड साइंटिस्ट कोपलैंड साइंटिस्ट 1819 लैंड है फिर इसके बाद फोर के बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि लास्ट कल था कल का टॉपिक थी वो थे आर एच हुई टेकर ये तो अपना अपना क्या किए थे डिस्कशन किए थे तो जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था परपोज्ड बाय साइंटिस्ट कोपलैंड कोपलैंड साइंटिस्ट इन 1889 में ऐसे जीव होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस ही
absent. Nucleus is absent. Means क्या होते हैं? मोनेरा में क्या होते हैं? केंद्रक absent होते हैं. It means presentation of prokaryotic cell. जो किंगडम मोनेरा होते हैं, फोर किंगडम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो कि इसके पहले आप लोग कर इस पर डिस्कशन हमने बताया था, डिस्कशन नहीं किए थे. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमला, प्लांटी. ये चार किंगडम क्लासिफिकेशन है. चार जगत के बारे में आप लोगों को पढ़ना है. फिर अगर हम डिस्कशन करेंगे मोनेरा के बारे में, अभी थोड़ा बता दे रहे हैं प्रोटिस्टा के बारे में, एनिमल के बारे में एंड प्लांटी के बारे में. तो जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा में क्या होते हैं? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है. तो हमने बताया जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं. मीन्स अपेक्षित कोशिका होते हैं, अनडेवलप्ड सेल होते हैं. तो इनका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, हमने बताया था बैक्टीरिया एंड न्यूक्लियस, बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन. कल इस बार मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज परपोज बाय आर एच व्हिटेकर. इसको परपोज किसने किया था? आर एच व्हिटेकर ने, साइंटिस्ट आर एच व्हिटेकर ने इनको परपोज किया था. और कब किया था आर एच व्हिटेकर ने? 1889 में. तो परपोज बाय आर एच व्हिटेकर. आर एच व्हिटेकर ने इनको कितने कितने किंगडम में डिवाइड
बचेंगे इसमें से? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांच होना चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ और एनी मलेया। ठीक, अब ये है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था किस पर बेस्ड था? द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेस ऑन दी लेवल ऑफ ऑर्गनेज एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गनेज इनवॉल्व प्रिंसिपल्स ऑफ थ्री मींस प्रिंसिपल ऑफ थ्री। जो ये था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गनेज, मतलब जीवों की लेवल मींस स्थित के आधार पर, जीवों की स्थित के आधार पर एंड क्या होती है टाइप्स ऑफ ऑर्गनेज और ऑर्गनेज के प्रकार के आधार पर, इन व्हिच जिसमें इन्वॉल्व की थ्री प्रिंसिपल, इन व्हिच इन्वॉल्व दी थ्री प्रिंसिपल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब हम न्यूट्रिशन की तो उस
या फिर क्या होते हैं नहीं मल होते हैं, वो क्या होते हैं बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रासाद को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। भाई सिर पर ये हम लोगों तो हम लोग क्या होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं आउट ऑफ बॉडी बाय द एनस निकालते हैं। वही हम प्लांट में देखते हैं। प्लांट में आप लोग गम देखा होगा, गोद देखा होगा, ये